तकरीबन 25 मिनट तक तैयार हो जाएगा। और पुलाव लायो, पुलाव जुमे का दिन है, मैं अभी जा रहा हूँ, फैसल की भी कॉल आई है। उसके अलावा जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि इंडस रिवर पे जाएंगे, जिस होटल और जिस झील पे पिछले जुमे मैं नहीं जा सका था वहीं पे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। राइड पे चलते हैं। यहाँ पे तो पानी जमा है, इन्होंने नया नया होटल बनाया और इनके फ्रंट की गड़बड़ हो गया काम इन दो होटलों में। आज है भी जुमे का दिन, देखते हैं इनका पानी का क्या निज़ाम बनेगा। हालत तो मुश्किल है, एयर साइड प्लेयर है। और मैंने भी वो दूसरा बाइक इसी वजह से नहीं उठाया, मेरा अच्छा फैसला था क्योंकि इस बाइक के बॉडी गार्ड हैं, उस बाइक के बॉडी गार्ड नहीं है, तो ये सारा मैं भर जाता, कीचड़ वगैरह सारा मेरे कपड़ों पर आता और बाइक भी ख़राब हो जाती, मैं भी सारा कपड़े ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने ये वाली बाइक उठाई है। ये जा रहे हैं मेरे दोस्त, क्या रे मैं क्या पता कौन है। घर घर चिकड़ है यार, मैं बड़ा बताऊँ आज हुआ था। और पैर जोड़ी थी, ये सारी झील टाइप बनी हुई है, दरिया का पानी इधर मिक्स होता रहता है। इधर सामने पार्क है, लोग जुमे के दिन इधर ज़्यादातर इकट्ठे हो जाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, लेकिन आज तो इधर पानी ज़्यादा हुआ है, वैसे उस जगह पर खाना बनता रहता है और ये सारी साइड होती है, लेकिन अभी पानी ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि खाना वाला सीन इनका ख़त्म हो गया। बस यही पार्क है, लेकिन भाई भी है ना। वहाँ से रास्ता बाइक का जो है उधर पानी है, तो मैं पार्क की पिछली साइड से दीवार भलांग के ही साइड पे आ गया हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू बना हुआ है सनसेट का, और वहाँ पे लोग खाना भी बना रहे हैं। वापस चलते हैं। और फैसल लोगों को मैं, उन्होंने इधर आना नहीं था, मैं उनको खींच के ले आया, मैंने कहा यार इतने तक चलते हैं, तो अभी ऐसे ना हो कि पीछे वो फिर मूड बन जाए उनका कि भाई अचानक हमें छोड़ के किधर गायब हो गए। वो सामने है उधर पार्क में, तो वापस उधर ही जाते हैं। ये वो दीवार है जहाँ से मैं आया हूँ, अभी देखते हैं कि इधर वापस कैसे चढ़ेंगे। यहाँ से वापसी जा रहे हैं और सबने मिल के बैठ के कोई आधा घंटा मजलिस की है, बहस शुरू रही है कि इस तरह है इस तरह है, जो आपकी शिकायतें आइंदा नहीं होगी। अभी तक इकरार तो नहीं किया, लेकिन ये लग रहा है कि आज मुझे ये नहीं छोड़ेंगे। ये कह रहे थे कि खाना आप और हम इकट्ठे खाएंगे। झील मैंने आपको दिखाई, बस इधर से अभी वापस जा रहे हैं। वो आप सामने का दरख्त देख रहे हैं, तो वो खान से जो रोड बाहर निकलता है वो वाला है, और ये वो पम्प है पेट्रोल पम्प अटक वाला, और इसके साथ ही होटल है तवक्कल होटल इसका नाम है। और मैं बस जाते जाते आपको दिखाता हूँ। ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सैयद मलंग तवक्कल होटल। और अभी तो काफ़ी रश कम हो गया क्योंकि शाम का टाइम जो है करीब करीब हो गया, निकल गए होंगे कुछ लोग रहते हैं। तो ये होटल था, किसी दिन यहाँ पे आके हम ब्रेक लगाएंगे, जब ब्रेक लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आगे मिलते हैं जब फैसल लोगों के साथ मैं
बराबर हो जाऊंगा तो वहीं पे मिलते हैं। अच्छा, उसी होटल से और उसी पानी से गुजर के मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या फैसला हुआ है। यहीं पे ये खाना खाएंगे, मुझे पता नहीं है कि क्या खाते हैं। नमकीन होटल डेढ़ किलो चिकन, वो जो है लग पीस, दो काफी, वो बाद में। मीठा भी साथ लाना, गाजरी नहीं होती, अलग से लाना। नमकीन है या टमाटर? नमकीन नमकीन कर दो। नहीं नहीं, ग्रेवी वाला, ग्रेवी वाला टमाटर वाला। हाँ, डेढ़ किलो कढ़ाई बोली है, सिर्फ लेग पीस और ग्रेवी वाली, दो किस्म की बनती है, एक सब्ज़ मिर्च वाली होती है, एक टमाटर इसमें डालते हैं, ग्रेवी वाली होती है। तो ये भी हमारा चिकन जो है वो पहले वो जो सामने पीस कर रहे हैं वो बनाएगा, उसके बाद फिर वो कढ़ाई में आएगा। कितने टाइम में बन जाएगी ये? तकरीबन 25 मिनट तक, तकरीबन 25 मिनट तक तैयार हो जाएगा। और पुलाव लायो? पुलाव फैमिली पुलाव अभी लगवा रहे हो? अच्छा, ठीक है फैजल भाई। ये काली मिर्च थोड़ा सा मीठा लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। साहब का मुंह का सही का बारिश बारिश से खराब हुआ है। खराब मौसम कौन सा? ये जगह खाली कर खाना वगैरह खा के भी निकले हैं। तो अभी खालिद को जहाँ का बहुत शौक होता है आशियाना शब्द जो है, उसकी वीडियोस में भी आपने देखा होगा, शुक्र क्लब है, वहीं पे जा रहे हैं। आशियाना गए, वहाँ पे लाइट नहीं थी तो प्रोग्राम हो गया गड़बड़। अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।